सुबह सुबह फ्रेश माइंड, राइट, मैथ्स करने के लिए वैसे भी थोड़ा सा फ्रेश माइंड की जरूरत है। तो चलो, असाइनमेंट आप सबको मिल गई हुई है? ठीक है जी। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज हाइट, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में? हाँ जी, व्हाट डू यू स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री? शाबाश शाबाश, कौन बताएगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा आपने? रेशियोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पढ़ी, साइन कॉस टैन ये वो। तो ये जो रेशियोज हैं, ये किस किस चीज के बीच में रिलेशन बता रही थी आपको? लेट अस से ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। अगर ये थीटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। हमने पढ़ा टैन थीटा पी बाय बी। तो कहना है से जितनी भी रेशोज के बारे में मैंने पढ़ा है, वो मुझे क्या बता रही है? वो मुझे बता रही है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है जी। तो अब हम जो भी कोई चीज पढ़ते हैं, ऑब्वियसली उसकी कहीं ना कहीं पर आपके पास एप्लीकेशन भी होगी, तभी पढ़ रहे हो। कुछ चीजों की एप्लीकेशन हमें अपेरेंटली नजर आ जाती है, कुछ चीजों की हमें नजर नहीं आती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हर चीज की कुछ ना कुछ रेलेवेंस है जिसके लिए आप इसको पढ़ रहे हो। आपने पहला चैप्टर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, उसका नेक्स्ट चैप्टर आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी रेशियोज एंड ऑल दैट, उसका यूज हम कर रहे हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के चैप्टर के अंदर। क्या यूज है इसका? एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे किए होंगे कि मान लो कि हमारे पास एक वॉल है, वॉल पर हमने एक लैडर लगा दी है। लैडर तो ऑब्वियसली फिक्स्ड लेंथ की है, इसकी कोई पर्टिकुलर हाइट है। मैं इसको एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पर रखना चाहती हूँ, इसकी ये एक लेंथ है। तो मुझे बताना है कि ये पॉइंट इस वॉल के फुट से कितना दूर होना चाहिए। ठीक है, जब हम घरों में एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा, अगर कभी आप घर पे कुछ काम करते हो कि कोई तुम्हारा बल्ब खराब हो गया, तुम सीढ़ी पे चढ़ के उसे ठीक कर रहे हो, या तुमने कभी वाइट वॉश वालों को देखा हो, अगर वो स्लांट वाली सीढ़ी ऐसे लगा के काम कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे रखते हो तभी वो प्रॉपरली काम कर रही है, वरना वो स्टेबल नहीं रहती, अनस्टेबल रहती है। कभी देखा है, ये सुना समझा, कुछ ऑब्जर्व किया कभी ऐसा? तो वहां पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली लग रही है। लगाने वालों को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, जब वो सीढ़ी को एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ी आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, वो ये एंगल की एडजस्टमेंट देख रहे हैं, वो इस लेंथ की एडजस्टमेंट देख रहे हैं कि हम कहाँ पर रखेंगे तो ये प्रॉपरली हमारा वर्कआउट हो जाएगा। मैं इसे किस डिस्टेंस पे पहुंचाना चाहती हूँ, उसके हिसाब से मैं क्या एडजस्टमेंट करूं। मान लो मुझे इसी हाइट तक जाना है, लेकिन लैडर यही है मेरे पास, और एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन भी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने लैडर को थोड़ी इससे ज्यादा डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, ताकि मेरा वो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाए। तो इस तरह की चीजों में हम एप्लीकेशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स। एक बड़ी कॉमन चीज जो हर किसी ने देखी है, स्टेयर्स। अब स्टेयर्स में आपने देखा होगा कि उसकी विड्थ कितनी है, कितनी हाइट की है, क्या वहां भी कहीं हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज समझ में आता कि हो रहा है? कैन यू थिंक ऑफ? थोड़ा सा दिमाग पे सोच के देखो, जस्ट इमेजिन दी स्टेयर्स। स्टेयर्स का जो, जहां पर आप पैर रख रहे हो, वो कितना वाइड रखना है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, एक स्टेयर में और दूसरे स्टेयर में किस तरह की एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए, ये सब भी एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है।
ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे चलें। लेट अस से आई वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ वेरी टॉल बिल्डिंग। अब मेरे पास कोई इतना बड़ा स्केल तो है नहीं है, इतनी बड़ी कोई मेजरमेंट टेप तो है नहीं कि मैं उसको ऊपर से नीचे मेजर करना शुरू कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं, उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, लेट अस से दिस इज द बिल्डिंग हुज हाइट आई वांट टू मेजर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करना हमेशा कंपेरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू हाइट्स को मेजर करना, ये तो आप सब मानते ही हैं। ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस मेजर कर लूं एक पर्टिकुलर जगह पर, बहुत सारे हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, मैं क्या करूं, मैं यहां से रख के मैं इसके टॉप को व्यू करूं और ये एंगल मुझे पता हो, ये डिस्टेंस जितने पर मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट फिट इन किया सेट किया वो मुझे मालूम हो, तो क्या मैं ये हाइट फाइंड आउट कर पाऊंगी। तो ये है हमारे पास वन ऑफ द पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप सब लोग वीडियो गेम्स खेलते हो ना, बड़े सारे लोगों ने पीएस ले रखे होंगे और बहुत बहुत टाइम उस पे लगाते होंगे, बड़ी सारी गेम्स। उसमें अगर आप देखते होंगे कि आप किसी भी एक प्लेयर को कुछ जंप करवा रहे हो, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे जंप कराते हो तो अपने टारगेट पे पहुंचता है, ऐसा होता है ना। मैं कम खेलती हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं, आप लोगों को तो बहुत आइडिया होगा। खेलते हो कि नहीं खेलते, पहले ये बताओ, झूठ नहीं बोलना सुबह सुबह, सच्ची बताना, खेलते हो कि नहीं। तो आपने सपोज, एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने किसी टारगेट को हिट करना है और आपका कोई प्लेयर है उसको जंप करवा के वहां तक पहुंचना है, तो जब एक पर्टिकुलर एंगल पर जंप कराते हो तब आप टारगेट पे पहुंचते हो। अगेन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अलोंग विद सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है, स्पेशली इन फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो कि क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। ठीक है जी, तो बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बहुत हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं लेकिन बेस तो यहीं से बनने वाला है। ठीक है जी, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, दिस इज आई शुड से द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने क्वेश्चन को रीड किया और रीड करने के बाद आपको सबसे पहले उसका एक स्केच बनाना है, ऑब्वियसली एक रफ स्केच, लेकिन अगर आपका स्केच बन गया तो समझो आपका 60% काम हो गया। पहले स्केच बनाया, स्केच बनाने के बाद आपने जो जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है वो उस डायग्राम के ऊपर नोट कर लिया। और अभी ये तो हमें पता ही है कि कोई ना कोई रेशो लगनी है, रेशो सबकी हमें पता ही है कि साइन की बात करेंगे तो पी और एच के बीच की बात हो रही है, कॉस की बात कर रहे हैं तो बी और एच के बीच की बात हो रही है, टैन है तो पी और बी। तो क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर लूंगी कि कौन सी रेशो मेरे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है एंड अकॉर्डिंगली आई सॉल्व इट। सो मेजर टास्क जो इन क्वेश्चंस में है वो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम प्लॉट करना, और डायग्राम के लिए भी सिर्फ दो ही चीजें हैं जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, एक है एलिवेशन और दूसरा वर्ड है डिप्रेशन। बस अगर ये दो बातें तुम्हारी समझ में आ गई तो चैप्टर में देयर इज नथिंग विच यू कैन नॉट डू। जब मैं कहूं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ समथिंग इज दिस, इसका मतलब मैं जिस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रही हूं वो मेरे आई साइट के लेवल से ऊपर है या नीचे है। बस एलिवेशन, एलिवेट का मतलब आपको पता है इंग्लिश मीनिंग में, देखो एलिवेट मींस उठाना, ऊपर करना। तो सिर्फ एक बात हमें याद रखनी है, इफ एनीवेयर एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू मी, इसका मतलब है मैं जिस पोजीशन पर हूं और मैंने जिसको व्यू करना है उनमें क्या रिलेशन है, माय आई साइड लेवल इज बिलो दैट।
तभी मैं ऐसे उसको देखूंगी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, आई जॉइन दिस विद दिस, आई नेम इट से ए, ये बी, ये सी, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एंड दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एज द नेम सजेस्ट, लाइन ऑफ साइट का मतलब है मैं जिस डायरेक्शन में देख रही हूं। सो माई लाइन ऑफ साइट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब मैं ऊपर बैठी हूं और जिस चीज को व्यू कर रही हूं वो नीचे। बस अगर ये दो बातें तुम्हारी समझ में आती हैं तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं जो नहीं हो सकता। इसका मतलब अब क्या हुआ, अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो ये जो लाइन ऑफ साइट का एरो मैंने अभी इधर बनाया है, अब वो किधर चले जाएगा? इट विल गो लाइक दिस। नाउ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम व्यूइंग समथिंग विच इज बिलो मी, ठीक है जी। अब अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ही यहां पर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ, एंड ऑब्वियसली ये दोनों सेम है। क्यों सेम है बता सकते हो? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दो पैरेलल लाइंस, दिस एसी इज गोइंग टू एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर गोइंग टू बी सेम। तो थ्योरी के नाम पर इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो बातें, तीसरी कोई बात है ही नहीं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू यू, इट मीन्स योर आई लेवल इज बिलो द थिंग यू आर व्यूइंग। इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन टू यू, इट मीन्स योर आई लेवल इज अबव द ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग टू व्यू। बस ठीक है जी। तब हम क्वेश्चंस के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला काम डायग्राम ड्रॉ करना। तो सब अपना अपना डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे कॉपी के ऊपर, और मैं माइक पे बुलाऊंगी, आप मुझे डायरेक्ट करेंगे कि मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ करूं। मुझे नहीं आता ड्रॉ करना, आप लोगों ने मुझे गाइड करना है। समझ गए? तो पढ़ो पहला क्वेश्चन, सब अपनी कॉपीज में डायग्राम ड्रॉ करेंगे और मुझे बताएंगे, जिसको मैं बुलाऊंगी माइक के पास, कि आप कैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। आप लोग बताते जाओगे और मैं बोर्ड पे ड्रॉ करती जाऊंगी। पढ़ लो जी पहला क्वेश्चन। The क्वेश्चन से द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री हैज इट्स टॉप एंड टचिंग द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द बॉटम। द एंगल मेड बाय द ब्रोकन एंड विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर दिस एक्सरसाइज, देन आई विल कॉल वन ऑफ यू ऑन द माइक एंड यू आर गोइंग टू टेल मी हाउ शुड आई ड्रॉ द डायग्राम। चलिए शाबाश। सिर्फ अपनी कॉपी पे ध्यान, अपना दिमाग लगाना है, पड़ोसी का दिमाग यूज नहीं करना, ठीक है जी। कि उसने बना लिया तो मैंने कॉपी मार लिया, बात नहीं बनेगी। अब मैम आप देख लीजिए, जो काम नहीं कर रहा उसको माइक पे भेज दो।
जो ड्रॉ अपने आप नहीं कर रहा है उसे माइक पे भेज दो, वो मुझे ड्रॉ करवाएगा, क्योंकि उसे शायद दिक्कत है ड्रॉ करने में, मुझे ड्रॉ करवा देगा, मैं ड्रॉ कर दूंगी उसकी जगह। प्लीज मैम एक राउंड मार के आप दोनों देख लीजिए, जो भी ड्रॉ नहीं कर रहा है उसको आप माइक के पास ले आइएगा। अभी हाँ जी, 10th A, अमनजोत, अमनजोत सिंह, 10th A। आ जा बच्चे, आ जा माइक के पास, आ जा फटाफट से, और मुझे जरा बताओ कि मैं इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करूं। 10th A, जल्दी से आ जा बेटा। आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि मुझे कुछ नहीं आता, जो आप बोलोगे मैं वही करती जाऊंगी, तो अच्छे से जरा एक्सप्लेन करना ताकि मैं सही सा डायग्राम एक ही बारे में बना दूं, आपको बार बार एफर्ट नहीं करना पड़े। ठीक है बेटा, चलो बोलो, पहले राइट एंगल ट्रायंगल। चलो सारे ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले ये हमने एक ट्री बना लिया, जो मुझे समझ में आया कि मैंने ये एक ट्री बना लिया ए बी, ये है मेरा ट्री। चलिए जी, अब क्या करूं? ये मेरा ट्री इज ब्रोकन। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। सपोज, मतलब हेल्प तो आप ही कर रहे हो मेरी, मैं कहूँ कि ये मेरा ट्री यहाँ पर सी पॉइंट पर इतना हिस्सा इसका ब्रेक हो गया है। ठीक है जी, हाँ। फिर मुझे कहा गया था टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री हैज इट्स टॉप एंड टचिंग द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। अब टॉप एंड कौन सा हुआ ब्रोकन पार्ट का? व्हाट इज द टॉप एंड? इज इट सी और इज इट बी? अच्छा ये मेरा ट्री था, ट्री यहां से ब्रेक हो गया, तो ये जो बी सी है दिस इज द ब्रोकन पार्ट। ठीक है जी, अब इस ब्रोकन पार्ट का टॉप एंड ग्राउंड को टच करवाना है, तो अब इसका टॉप एंड कौन सा है? इज इट सी और इज इट बी? बी। इसको कहाँ टच करवाना है मैंने? ग्राउंड पे। ये कहा गया मुझे, इसका मतलब ये बी समवेयर हेयर एट दी ग्राउंड यहां पे आ जाएगा, ये यहां से यहां आ गया। ये बात इज इट ओके? ऐसे कर लो, फिफ्टी तो ये जो बी है ये कौन सा डिस्टेंस है? अब इस डायग्राम के हिसाब से विच डिस्टेंस इज बी? सेंटीमीटर क्या ये बी सी डिस्टेंस 15 है, ये सी ए डिस्टेंस 15 है, ये ए बी डिस्टेंस 15 है? कौन सा डिस्टेंस है जो 15 मीटर है? दैट इज बी ए। ब्रोकन पार्ट का टॉप ग्राउंड को बॉटम ऑफ ट्री से 15 मीटर के डिस्टेंस पर टच कर रहा है। फिर आगे क्या बोला गया है मुझे? द एंगल मेड बाय द ब्रोकन एंड विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। सो विच एंगल इज 30 डिग्री? दोबारा बोलो बेटा, माइक देखो थोड़ा क्लोज आके बोलो। डिग्री कौन सा? ये वाला एंगल सी पे, ए पे के बी पे? बी पर। ये एंगल ब्रोकन एंड का, ब्रोकन ट्री का टॉप एंड हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और निकालना क्या है मुझे? द लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट। तो बच्चे इस डायग्राम में से मुझे क्या निकालना है? डू आई नीड टू फाइंड आउट ए बी और ए सी और बी सी? वो डू आई नीड टू फाइंड आउट? अच्छा हाँ जी, कौन सा, क्या, कौन सी लेंथ मुझे निकालनी है? मुझे चाहिए लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट। आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है बेटा। क्या निकालना है बेटा मुझे? एसी। ओके, अब मुझे एक बात बता बेटा, मैंने ब्रोकन पार्ट किसको लिखा है, ए सी को कि बी सी को? बी और मेरे से लेंथ किसकी पूछी गई है?
ब्रोकन पार्ट की पूछ रही है ना बच्चे। अब पहले ध्यान से बात को समझो, ये मेरा ट्री था, ये ट्री यहां से टूट गया, टूट के ये ऐसे टिल्ट हो गया, ठीक है जी। और ब्रोकन पार्ट की मेरे से लेंथ पूछी गई है, तो कितना हिस्सा टूटा वो ये है, या ये जो अभी भी तरह खड़ा है वो ब्रोकन पार्ट है बीसी टूटा है, जो टूटा है। तो टूटे वाला कौन सा है, इज इट ए सी और इज इट बी सी? बीसी बी सी। तो मुझे कौन सी लेंथ निकालने को बोला गया है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। बच्चे ये समझ में आया है अमनजोत? अब एक बात और बता दे बेटा मुझे, मेरे पास ये डिस्टेंस 15 पड़ा है, ये एंगल 30 है, ये निकालना है, कौन सी रेशो का यूज करूं? कॉस हाँ जी, कॉस कॉस का यूज करूं? चलो जी बताओ फिर, कॉस का अगर मैं यूज करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, कॉस 30, क्या होता है जी कॉस 30? एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 15 अपॉन बी सी। और बच्चे कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर हाँ जी, वैल्यू ऑफ कॉस 30 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2, दिस इज 15 अपॉन बी सी। और मुझे क्या निकालना है, अब बी सी निकालना। चलो आप बैठो बेटा, बैठो जी बैठो। 10th B से अनीशा, अनीशा फ्रॉम 10th B, आ जाओ बेटे फटाफट से ये कैलकुलेशन बताओ मैं ऐसे कैसे करूं। मेरे पास आंसर की फॉर्म में जाना है, मुझे 10 मीटर, रूट 3 मीटर, 5 रूट 3 मीटर, जो भी कुछ दे रखा है, आई वॉन्ट टू रीच एट माई आंसर, वॉट शुड आई डू? आ जाओ बेटा फटाफट, अनिशा डी बोलो क्या करूं। क्रॉस हाँ आंसर डी है, कैसे पहुंचना समझाओ, स्टेप समझाओ मुझे। मल्टीप्लाई ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आई एम राइटिंग इट हियर, रूट 3 BC इज इक्वल टू 15 × 2, दैट इज 30। आगे बोलो जी। बी सी विल बी 30 अपॉन अंडर रूट 3, लेकिन आंसर इस फॉर्म में कोई नहीं है मेरे पास, सो व्हाट आई नीड टू डू फर्दर, अच्छा रैशनलाइज। इरैशनल नंबर्स जनरली डिनोमिनेटर में नहीं छोड़े जाते, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, सो 30√3, और नीचे √3 × √3 कितना हो जाता है, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, सो आंसर आ गया 10√3, आंसर बन गया डी। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, चाहो अपनी सीट पे चलिए। अभी अभी हमने एक चीज यूज की, हमने कहा √3 × √3 इज 3, व्हाई इज इट सो? कौन सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगा करके हम कह रहे हैं √3 × √3 3 हो जाता है, कैसे आएगा ये कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे, फटाफट बता। कोई एक जना माइक पे आ जाओ, बिल्कुल छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मैंने पूछी है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो, क्योंकि बहुत बच्चों को इसी में बड़ी कंफ्यूजन है। बोलो बेटा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, उस स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा। स्क्वायर के साथ रूट क्यों कट होएगा बेटा, बता सकते हो? एक मिनट, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, लेट मी बी अ बिट मोर। अगर मेरे पास हो से 3 का क्यूब रूट और मैं उसका स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलता है? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कहूँ सिंप्लीफाई तो प्रॉपर नहीं, मतलब अगर मैं इन पावर्स को एडजस्ट करने की बात करूं तो कैसे एडजस्ट होगा, आगे इसको फर्दर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो, व्हाट शुड आई राइट? 3 पावर 2 बाय 3, एंड अंडर रूट मींस विच पावर, हाउ मच इज द पावर? अभी इफ आई से अंडर रूट, क्या अगर मैंने लिखा √3 तो √3 मतलब 3 की कितनी पावर, बिल्कुल 1/2। ये आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं है,
मेरा जो पॉइंट था यहाँ सिर्फ दैट इज, चलिए बेटा, इफ आई एम राइटिंग अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इट मींस आई एम सेइंग ए पावर 1/2। दैट्स व्हाई जब आप अंडर रूट का स्क्वायर करते हो, या अंडर रूट है 1/2 पावर 2 कर दिया, इसको कैंसिल किया, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द आंसर एज 3। अब अगर मैं यहां पर लिखूं, ध्यान से देखना, इफ आई राइटिंग ए हियर एंड आई राइट एन हियर, इस एक्सप्रेशन का मतलब कुछ समझ में आता है क्या होता है? दिस इज ए रेज टू पावर 1/n। तो जैसे हम कह रहे हैं स्क्वायर रूट, ऐसे ही हम क्यूब रूट भी कर सकते हैं, फोर्थ रूट भी कर सकते हैं, टेंथ रूट भी कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, मतलब पावर 1/2 की बात कर रहे हैं। बच्चों ये बहुत बेसिक सी चीज थी, लेकिन आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल इवन विद दिस। तो ही मैंने कहा मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। आई नो यू नो दिस थिंग, बट जनरली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने कहा चलो लेट मी डिस्कस इट वंस। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पर्सन आर 8 मीटर्स अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर, इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, देन हाइट ऑफ द शॉर्टर पर्सन इन मीटर। यहां पर एक टर्म यूज हुई है कॉम्प्लीमेंट्री, क्या मतलब है इसका? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता तो क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। अब बच्चों एक छोटा सा थोड़ा सा इससे हटके है, बट चलो बीच में पॉइंट आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड द एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, आपको मालूम है कि अगर दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लेट अस से एंगल ए एंड एंगल बी, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। अगर ए और बी सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम भी 180 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल एक ही बात है या दो अलग अलग चीजें हैं? ऑब्वियसली दो अलग अलग नाम है तो चीजें तो अलग ही हैं। मुझे थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन करके कोई बता सकता है? लीनियर पेयर में और सप्लीमेंट्री एंगल्स में कोई रिलेशन है? कहीं पे वो एक बराबर हो सकते हैं या हमेशा ही डिफरेंट होते हैं, या सिर्फ एक, एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू, लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स? आप कहोगे बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों पे मैडम आ गई है, पर माइक के पास आके कोई एक बच्चा, सब नहीं बोलेंगे, सब बोलते हैं तो समझ नहीं आता मुझे। एनीबडी फ्रॉम से 10th B, एनीवन फ्रॉम 10th B, प्लीज कम नियर द माइक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ लीनियर पेयर एंड अ सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, शुड आई एक्सप्लेन? ये एंगल ए, ये एंगल बी क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर। ये एंगल ए, ये एंगल बी, आर दे फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर? यहाँ पर क्या ए और बी लीनियर, यहाँ तो तुमने बोल दिया है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्या यहाँ ए और बी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी ए और बी का सम 180 डिग्री है, यहाँ पर भी 180 डिग्री है, ये दो एंगल लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री भी है, लेकिन ये दो एंगल सप्लीमेंट्री तो है बट दे आर नॉट फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर मीन्स जब एक ही लाइन पर एक रे जा रही है, उसके साथ जो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर ये 180 डिग्री फ्रेम कर रहे होंगे, देन दैट इज अ लीनियर पेयर। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट अभी भी है तो बता दो, लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए जी क्वेश्चन पे चलते हैं वापस।
में मुझे कहा गया डायग्राम ड्रॉ करना है। We have to draw the diagram first. Two persons are a meter apart and height of one is double that of the other. So, there are two persons, एक की height दूसरे से double है. ये एक person, ये दूसरा person, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं कह देती हूँ ए बी, इसको कह देती हूँ सी डी. अब अगर ये एच है तो बच्चों सी डी कितना है? एक पर्सन दूसरे से डबल हाइट का है. और एक चीज और दे रखी थी, द टू पर्सन आर ए मीटर्स अपार्ट, इसका मतलब कौन सा डिस्टेंस ए है? ए सी. ये एक पर्सन, मैं यहां खड़ी हूं, एक पर्सन वहां खड़ा है, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस ए मीटर्स. सो दिस डिस्टेंस इज ए मीटर्स. यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर हमें क्या कहा गया, इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर फीट. अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, लाइन जॉइनिंग फीट ऑफ द टू पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट मीन्स मैं कौन सी लाइन की बात कर रही हूँ, ए बी सी डी या ए सी? ए सी. मैं खड़ी हूँ ग्राउंड पर, दूसरा बंदा खड़ा है मेरे साथ ग्राउंड पर, तो जो ग्राउंड की अलॉन्ग लाइन जा रही है दैट इज द लाइन जॉइनिंग द फीट. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ए सी. एंड एक और चीज है, क्या आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग means let us say हम इस पॉइंट को ई कह देते हैं which is मिड पॉइंट. अब ई अगर मिड पॉइंट हो गया है तो ये ए ई और ई सी कितने कितने डिस्टेंसेस हो गए? ये टोटल डिस्टेंस ए था, तो ए से ई तक का डिस्टेंस कितना हो गया? ये ए बाय टू डिस्टेंस है, ये भी ए बाय टू डिस्टेंस है. अब मुझे कहा गया an observer find that the angular elevation of their tops to be if from the middle point of the line joining their feet an observer find the angular elevations of their tops to be complementary. ab mere 10th a se arjun aa jao beta mic ke paas. 10th a arjun. एब्सेंट है. ओके सो फिर 10th ए से हरनीत कौर, वो भी एब्सेंट है. नैना आ जाओ बच्चे. हाँ जी. अब यहाँ जो ये एंगल्स की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे समझा दो. सबसे पहले मुझे बताओ कि मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पर है, एट व्हाट पॉइंट इज माय ऑब्जर्वर? ए पॉइंट पर ऑब्जर्वर है मेरा. क्वेश्चन दोबारा रीड करना जरा बेटा. ई पॉइंट. इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? ई से देख रहा है. किसको देख रहा है? बी को और डी को. तो ये मेरी लाइन ऑफ साइट, आई एम लुकिंग फ्रॉम हियर टू बी, एंड फ्रॉम ई टू डी आई एम लुकिंग लाइक दिस. तो कौन से दो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं? एंड द एंगल्स व्हिच मीट्स एट द पॉइंट ई. ओके सो कैन यू नेम व्हिच एंगल? ए ई बी. ए ई बी. इफ आई टेक दिस एज थीटा देन अनदर एंगल सी ई डी. सी ई डी इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा. ये समझ में आता है सबको? चलिए जी आप जाइए अपनी सीट पर. 10th बी से हर्ष आ जाओ बच्चे. आगे जरा सा सॉल्व करवा दो मुझे तो फटाफट से. हमें क्या बताना है? हाइट ऑफ द शॉर्टर पर्सन. तो सबसे पहले तो मुझे ये बता बेटा कि मुझे निकालना क्या है, क्या पूछा जा रहा है मुझसे? हाइट ऑफ द शॉर्टर पर्सन मतलब क्या निकालूं इसमें से? अब मुझे AB.
ए बी बिल्कुल ठीक है जी, ए बी मतलब मुझे एच निकालना, बचाओ बचे क्या करूं, कैसे निकालूं इसको? मेरे को ये एंगल पता है, ये मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस भी ए बाय टू पता है। अब अगर आप आंसर्स में देखते हो तो सारे आंसर एक ही टर्म में है। हाँ, कौन सी यूज करूँ मैं? टैन थीटा। बता बेटा टैन थीटा क्या होगा? पी ओवर एच सी पी ओवर, पी उसे अपने आप बोलने दो बेटा, डोंट डोंट कंफ्यूज हिम, लेट हिम टेल व्हाट इज टैन। टैन क्या होता है बेटा? पी बाय बी होता है कि पी बाय एच होता है कि बी बाय एच होता है, क्या होता है? पी ओवर एच पी और एच होता है टैन। ओके बेटा, फिर अगर पी अपॉन एच आपका टैन होता है तो साइन क्या होता है बेटा? ओवर बच्चे टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, अब इस थीटा एंगल के लिए सोच के बताना बच्चे मुझे कि इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये एच है मेरा परपेंडिकुलर या ये AE है मेरा परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए? अच्छा H। तो मैंने यहां इसको लिख दिया H, और अब मेरा बेस क्या है इस थीटा एंगल के लिए? अच्छा A बाय 2। तो अब सबसे पहले तो टैन की डेफिनेशन नहीं भूलनी मुझे, टैन थीटा इज P बाय B। एंगल के सामने वाली जो साइड हो जाती है वो परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बन जाती है बेस। चलिए जी, अब ये तो मैंने कर लिया, लेकिन यहां से एच का आंसर तो नहीं आने वाला है, मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा। अब क्या करूं? क्रॉस चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हो तो कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाय टू टेन थीटा इज इक्वल टू एच। अब क्या करूं? मेरे को आंसर में ये टेन थीटा तो चाहिए ही नहीं है ना, क्योंकि आंसर में कहीं टैन थीटा तो दिख नहीं रहा मुझे। इक्वेशन 1 चलो इक्वेशन वन भी कर देते हैं। लो जी आगे चलो, अब क्या करें? -90 टैन 90 माइनस थीटा। अब मैं ट्रायंगल ईडीसी में जाऊं तो एंगल है 90 माइनस थीटा, सो आई टेक इट एज टैन 90 माइनस थीटा। अब बता बेटा ये क्या हुआ? -90 ये जो इधर उधर से बोल के इसको बता रहे हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है बेटे। अपने आप थोड़ा ध्यान से देख, 90 माइनस थीटा इधर देख, बोर्ड पे देख बेटा, लुक एट द बोर्ड। ये 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये कितनी कितनी लेंथ है इसकी? 2h। तो अभी अभी हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? 2h आ जाएगा। और ये बेस क्या है? ये EC। ये EC लेंथ कितनी है मेरे पास? तो यहाँ क्या आ जाएगा? a बाय 2 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या 4h बाय a tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा? बता बेटा ये समझ में आता है? आता है बच्चे समझ में? चलो फिर सीट पे चलो। अब एक ये मेरे पास पड़ा है और एक ये मेरे पास पड़ा है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे h चाहिए इन टर्म्स ऑफ a। व्हाट शुड आई डू? मल्टीप्लाई टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा बिकम्स इक्वल टू 4h बाय a। और यहां से मेरे पास टैन थीटा की वैल्यू क्या थी? 2h बाय a। इसको हम से 3 बोल देते हैं, इसको हम 4 बोल देते हैं। अब मुझे इन दो में से ये थीटा एलिमिनेट करना है,
एलिमिनेशन ऑफ थीटा, सुना होगा आप लोगों ने, व्हेन आई से एलिमिनेशन ऑफ थीटा मतलब मुझे आंसर में थीटा नहीं चाहिए, एक टैन थीटा की टर्म है, एक कॉट थीटा की टर्म है, कैसे एलिमिनेट करूं थीटा को, मुझे आंसर एच और ए की टर्म्स में चाहिए। मेरे पास था टैन थीटा एज टू एच बाय ए और कॉट थीटा है मेरे पास फोर एच बाय ए। अब बताओ जी क्या करूं, व्हाट इज टैन थीटा इनटू कॉट थीटा, टैन थीटा इनटू कॉट थीटा इज वन, तो टू एच बाय ए इंटू फोर एच बाय ए। टैन थीटा आपको मालूम है होता है साइन बाय कॉस और कॉट होता है कॉस बाय साइन, सो एट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इससे कैंसल ये इससे कैंसल, तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एट एच स्क्वायर। I want h, so that is a square by 8. h square given है, h निकालना है, क्या करना पड़ेगा? Square root लेना पड़ेगा दोनों तरफ, square and square root would get cancel. यहाँ पे ऊपर a हो जाएगा और नीचे आएगा under root 8, which can be written as 2 under root 2. So मेरा आंसर क्या हो जाएगा? D, option number. ऑप्शन डी विल बी माय आंसर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर थ्री, अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट आप लोगों को दे रही हूँ, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर थ्री। और जिसको डायग्राम समझ में नहीं आए कृपा करके खड़े होकर के पूछना है, बैठे नहीं रहना है हमें। Question number 3. Try to draw the diagram and do the calculations also. The angle of depression of two ships from top of a lighthouse. मतलब आप ऊपर खड़े हो, ships नीचे हैं, या ships ऊपर हैं आप नीचे हो? Ships नीचे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे angle of depression दिया है, इसका मतलब मैं जिस चीज को view करूंगी वो मेरे eye level से नीचे है। I am standing somewhere here and ships are sailing somewhere here. चलिए जी Anyone who has got the answer, raise your hand. किसी का अगर आंसर आ गया हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए, चलो जब आ जाए तो हाथ खड़ा करना। चलिए जी जल्दी जल्दी Anyone who has got the answer, please raise your hand. Right or wrong, that is immaterial. I just want to see kar kya rahe ho. That is more important. किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, ये आप बोल नहीं रहे हो, आ गया है पर बोल नहीं रहे हो।
मैम प्लीज देखिएगा, अगर किसी ने आंसर निकाल लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है, तो प्लीज उसको माइक के पास भेज दीजिए। सर सी आंसर इज सी। किसने बोला आंसर सी? रेज योर हैंड। हु हैज गिवन द आंसर सी? रेज योर हैंड। आंसर करेक्ट है, अगर बता दूं फिर हाथ खड़ा कर दोगे? चलो ठीक है जी, इधर से आया है 10th B से। आ जाओ बच्चे माइक के पास। हाँ जी, वन स्टूडेंट फ्रॉम 10th B हैज रेज द हैंड, प्लीज कम नियर द माइक। हाँ बच्चे बोलो, डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो। हम लाइट हाउस है, ओके, लाइट हाउस कैसा, वर्टिकल होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा? वर्टिकल। वर्टिकल। ये है मेरा लाइट हाउस। चलिए जी, हम वो ऊपर से देख रहा है नीचे को। यहाँ पे देख रहा है, और ये अगर मेरा ग्राउंड लेवल, या मैं कहूँ सी लेवल, वेयर एवर द शिप इज, शिप की बात कर रहे हो तो सी में है, सी लेवल। ठीक है जी, अब दो शिप्स हैं, लेट अस से एक हम कह देते हैं यहाँ है, एक हम कह देते हैं यहाँ पर है। चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऊपर से। ओके, इसको हम सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। तो मैं यहां पर हूं, इसको ऑब्जर्व कर रही हूं, तो मेरी लाइन ऑफ साइट जाएगी ऐसे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो ये एंगल कितना दिया है? ये एंगल मैम 30 डिग्री, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री। तो ये जो मेरे पास नियरर है, ये एंगल 30 डिग्री होगा बेटे कि 45 होगा? 45। इसका मतलब ये एंगल 45, ये 45, तो ये 45 है। चलिए जी, अब मेरी लाइन ऑफ साइट कहाँ पे है? लाइन ऑफ साइट किस लाइन के अलोंग देख रही हूं अब मैं? आई एम स्टिल एट डी एंड लुकिंग एट बी। इसका मतलब अब ये मेरी लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये एंगल इतना इतना एंगल, ये कितना है? आप 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया है 30 डिग्री। फिर एक इंफॉर्मेशन और मुझे प्रोवाइडेड है, दैट इज शिप्स आर 100 मीटर अपार्ट। तो विच डिस्टेंस इज 100 मीटर? वेयर आर माई शिप्स? ए बी सी। तो मेरा फुट ऑफ लाइट हाउस है, ये मेरा शिप एक, और ये मेरा दूसरा शिप। शिप्स के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, इसका मतलब ये ए बी डिस्टेंस 100 मीटर। वेरी गुड बेटा, जाओ सीट पे जाओ। अब अपने आप कौन वॉलेंटरली 10A में से मुझे बताएगा कि आगे कैलकुलेशन कैसे होंगी? कौन अपने आप, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, एनीबॉडी हु वांट्स टू टेल कि आगे क्या करना है 10A। शाबाश बच्चों, जब अपने आप आप उठ के आते हो तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ कर तो बहुतों ने लिया, ये तो मुझे पता है। अब आगे आके बोलेगा कौन अपने आप? आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम। एनीवन हु वुड लाइक टू कम नियर द माइक एंड एक्सप्लेन? आ जाओ, गुड गुड, शाबाश। पहले तो नाम बताओ बेटा अपना। जहीन। हाँ जी जहीन। ओके, अब बताओ क्या करना है मुझे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ट्राइंगल एबीसी एंड देन वी हैव टू पुट द फॉर्मूला 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, मुझे निकालना क्या है बेटे सबसे पहले ये बताओ, व्हाट डू आई वांट टू फाइंड आउट? इसमें से कौन सा डिस्टेंस है जो मुझे निकालना है? मुझे सी डी, मुझे बोला गया है हाइट ऑफ दी लाइट हाउस। ठीक है जी, तो अब मैंने ये निकालना है, ये एंगल मुझे मालूम है, इसको क्या ले लूं, एक्स ले लूं? लो जी, अब आप कह रहे हो डी सी ए में मैं टैन की रेशो यूज करूं, क्यों करूं बच्चे टैन की रेशो यूज? कुछ और क्यों नहीं कर लूं, साइन कॉस कुछ क्यों नहीं यूज करूं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना, मतलब परपेंडिकुलर तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे, और उसके बाद ये एंगल पता है, इसमें भी परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस पता है, मतलब बेस के अलोंग की चीजें पता है, तो यहाँ भी मैंने टैन ले लिया, ये बन गया मेरा h बाय x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 45 बेटा?
1/3. हाँ 10 45 1 so this is h by x so h becomes equal to x from this इसको मैं 1 mark कर देती हूँ very good बेटा आगे बोलो क्या करूँ मैम then we have to take the other triangle as 10 30 degree equals to AB sorry equals to DC upon CB बिल्कुल ठीक है जी tan 30 degree tan 30 degree मुझे मिल गया यहाँ से DC that is H upon BC what is BC M CA plus AB CA plus AB C I have taken as X and this is 100 so I take it as X plus 100 चलिए जी tan 30 की वैल्यू M 1 upon under root 3 is equal to h upon x plus 100 ये दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है मैंने इन दोनों को सॉल्व करके h निकालना है इसका मतलब मुझे एक बात और यहां से समझ में आनी चाहिए कि मुझे आंसर में x नहीं चाहिए मतलब x एलिमिनेट कर दूं ठीक है जी तो क्या करें 1 upon root 3 is equal to h upon h plus 100 क्योंकि x किसके इक्वल था x बिल्कुल ठीक है बेटा आगे क्या करूं देन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया व्हाट नेक्स्ट एंड देन द 100 विल बी मैम वो दूसरी साइड चले जाएगा बिल्कुल जो वेरिएबल निकालना रहता है उस सबको एक तरफ कर ले जाते हैं एक तरफ हम मर्ज कर लेते हैं तो हम यहाँ से h को दूसरी तरफ ले गए जब h को दूसरी तरफ ले गए तो 100 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 इनटू h हो गया अब क्या करूं बेटा मैम वी हैव टू टेक अंडर रूट 3 माइनस 1 टू द 100 साइड मैं दूसरी साइड पे ले गए हम इसको यहाँ न्यूमरेटर में था इधर जाएगा डिनोमिनेटर में लेकिन मेरा आंसर जो है वो इस फॉर्म में जो दे रखा है दैट इज 50 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 मतलब ये तो आंसर नहीं बन पा रहा तो अब क्या करूं मैं रैशनलाइज जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं 100 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इनटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 नीचे बन गया 200 को कैंसिल आउट कर दिया 2 से तो बन गया 50 और साथ में क्या आ रहा है रूट 3 प्लस 1 मीटर वेरी गुड बेटा वेरी गुड सबसे पहले तो खुद से उठ के आने के लिए बच्चों जब तुम कर लेते हो तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि आओ और आगे बता दो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ठीक कर रहे हो और अगर गलत भी कर रहे हो तो क्या हो गया गलती तो पता चलेगी उससे ऊपर तो कुछ नहीं होना That will be for your benefit only. So be confident. करने के बाद ये नहीं है कि हमें बैठे ही रहना है अगर बोला जा रहा है बताओ तो उठो और बताओ ठीक है जी तो हमारे पास एक मोटा सा क्रक्स क्या निकल के आया इन क्वेश्चन में सबसे पहले जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसको बहुत ध्यान से पढ़ो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया क्या दिया डायग्राम ड्रॉ करो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उस डायग्राम में ढूंढना शुरू करो कितने राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें मिल रहे हैं एक मिल रहा है दो मिल रहे हैं तीन मिल रहे हैं पांच मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं क्योंकि मेरा सारा का सारा काम राइट एंगल ट्राइंगल से ही चलने वाला है फिर राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्जर्व किए जैसे यहां पर दो बन रहे थे DCA एंड DCB फिर ढूंढो निकालना क्या है और गिवन क्या है यहाँ पे निकालना था h और जो डिस्टेंसेस गिवन है वो बेस के अलोंग दिए हैं तो अब हम क्या सोचेंगे कि p और b दोनों को रिलेट करती हुई रेशो कौन सी है वो टैन है तो हम टैन का यूज करेंगे जब आप टैन जो जो एंगल दिख रहे हैं उनके रिलेशंस लिखोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे सो सिर्फ दो या तीन स्टेप्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली ड्रॉ अ रफ स्केच पुट ऑल द डाटा दैट इज अवेलेबल इन योर क्वेश्चन ऑन द डायग्राम सेकेंड स्टेप लुक फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल इन योर डायग्राम और उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है क्या निकालनी है वो जो दो चीजें आपके पास हैं जो निकालनी है और जो दे रखी है उसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो काम आने वाली है वेदर साइन कॉस और टैन वो ढूंढो उसके
रेशोस लगाओ और अपने आप ही क्वेश्चन होते चले जाएगा, आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना। सिर्फ ये जो रैशनलाइजेशन वाला पार्ट है, ये बहुत बार हमें एंड में आके ऐसे क्वेश्चन में करना पड़ सकता है, वो आपको आता ही है, उसमें तो कोई ऐसी इशू है नहीं है हमारे लिए। ठीक है जी, फटाफट से अगला क्वेश्चन कर दो जरा। चलिए जी, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। बहुत क्वेश्चन नहीं हम कर पाए हैं, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज जितना किया है वो समझ में आया है या नहीं, दैट इज द पॉइंट। चलिए फटाफट से ट्राई करिए अगेन, 2 मिनट का टाइम, जल्दी से। और अब अपने आप माइक पे आके अगर कोई खड़ा होके मुझे एक्सप्लेन करेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बजाय कि मैं चीखे मार मार के, आवाजें मार मार के बुलाऊं। अपने आप जिसका क्वेश्चन हो जाए दोनों सेक्शंस में से, कम नियर द माइक एंड टेल हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट। और खुद देखना तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हें कितनी उस चीज की खुशी होती है, सबसे पहले ये रियलाइज करना। चलिए शाबाश, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई इट आउट। बातें नहीं बच्चों, डन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 मिनट वेट करते हैं, अगर 10A 10B से भी कोई आता है आगे तो। एनीबडी फ्रॉम 10B, फटाफट से आ जाओ बच्चे, जल्दी से जल्दी से, वरना 10A वालों को क्रेडिट ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ से आ चुकी हो ऑलरेडी एक गर्ल मेरे पास। बच्चे अपना नाम बताओ बेटा। ओके, हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम 10B। चलिए हम फटाफट 10A आपसे पूछते हैं, क्या किया आपने बताओ। मैम, इन दिस क्वेश्चन आई हैव ऑब्जर्व दैट फर्स्ट अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ शिप, ओके, एंड व्हिच इज 10 मीटर अबव फ्रॉम वाटर लेवल। ऑब्वियसली द शिप इज इन वाटर एंड द लेवल ऑफ द वाटर इज 10 मीटर अबव फ्रॉम द सी, फ्रॉम द शिप 10 मीटर, एंड ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन ही इज लुकिंग अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये अब मैं अपनी हिल ले लूं तो इसको मैं अगर ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं। चलिए आप बताइए कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा यहाँ पर बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज मीट एट द डी फ्रॉम ए। वेरी गुड, ये बी और डी को हमने मीट कर दिया, और ये क्योंकि अब मेरा पर्सन यहाँ खड़ा है, यहाँ से टॉप ऑफ द हिल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये एंगल कितना बना है, 60 डिग्री एंगल पे। बिल्कुल जी, ये हो गया 60 डिग्री। फिर उसके बाद मुझे क्या दिया है, एंड देन देयर इज गिवन एंगल ऑफ डिप्रेशन आल्सो फ्रॉम द बेस। बिल्कुल ठीक है, ये टॉप ऑफ हिल है, दिस इज टॉप ऑफ हिल एंड दिस इज बेस ऑफ हिल। अब अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एंड ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब मेरे से पूछा क्या गया बेटा, ठीक है, इसका मतलब विच डिस्टेंस एम आई टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट, सो वी कैन अप्लाई द टैन आल्सो।
ओके मतलब मुझे दो चीजों की जरूरत है, ए बी सी डी, इसको ई कह दूं तो एक तो मुझे ए सी या बी की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस यस फ्रॉम द हिल फ्रॉम द शिप, और दूसरा मुझे डी सी की जरूरत पड़ेगी। ये दो चीजों की जरूरत है मुझे, एक मुझे चाहिए ए सी और दूसरा मुझे चाहिए डी सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गो टू योर सीट। आगे की कैलकुलेशन कौन बताएगा मुझे? जल्दी से आ जाओ जी, 10B में से आगे की कैलकुलेशन। अब डायग्राम बन गया, सिर्फ दो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि आप लोग खुद उठ के आ रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चल बच्चे बता आगे क्या करूँ। मैम जो ए फर्स्ट मैम पहले ए ट्रायंगल ए बी डी ई लेन ए डी ई बी लेन बी ई ए बी ई तो बेटा मेरा कोई ट्रायंगल ही नहीं है। मैम डी बी ई डी बी ई बिल्कुल ठीक है जी, डी बी ई की बात कर रहे हैं हम। चलो डी बी ई बोल बेटा क्या करूं। जो डी है उसको एच ले लेना है बिल्कुल ठीक है जी, इसको एच ले लेते हैं आप कहते हो तो। हाँ जी फिर जो टेन बी सी बी को एक्स ले लेना है बिल्कुल ठीक है जी, बी को एक्स ले लेते हैं। डिग्री मैम फिर 10 60 ये एच ये एक्स, मतलब क्या करूं, मुझे इसकी जरूरत थी इसकी जरूरत थी। मैंने कहा था राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, यस ये चाहिए मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों में ही चीजें मुझे चाहिए, तो कौन सी रेशियो यूज करूंगी बच्चों? वेरी 10 60 गुड, टैन 60 क्या होता है मेरे पास, ये हो गया एच बाय एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन 60? अंडर रूट थ्री, तो अंडर रूट थ्री क्या हो गया, एच बाय एक्स, ये फिर एक मेरे पास रिलेशन आ गया। वेरी गुड बेटा आगे बोलो। ट्रायंगल ए बी सी लेना है मैम ए बी सी, इसमें कौन सा एंगल पता है मुझे बेटे? ए ए एंगल 90 है, और कोई एंगल भी पता है? बी बी मैम एंगल, ये वाला एंगल पता नो सी एंगल तो ये भी है बेटा, ये 90 ये 30 तो ये 60 है, ये भी पता है और ये भी पता है। चलिए आगे चलिए। मैम 10 30 की बिल्कुल ठीक है जी, अब 10 30 फिर से लगाएंगे। क्यों 10 30 लगा रहे हैं? क्योंकि अब ये वाला डिस्टेंस मुझे यस पता है और ए सी मुझे चाहिए, तो जो पता है जो चाहिए उसका रिलेशन ढूंढना था मुझे। हाँ एक्स जी, ये क्या बन जाएगा, 10 अपॉन एक्स, ये और ये पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों लेंथ सेम हैं, तो ये हो गया एक्स। व्हाट इज 10 30? वन 1/√3, दिस इज 10/x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3, मतलब 10 का मतलब ए सी, एक चीज तो मुझे मिल गई, दैट इज 10√3 मीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द हिल, एक पार्ट मेरे आंसर का मिल गया है। दूसरा मुझे हाइट ऑफ हिल बताना है, विच इज डी सी। अब बता बेटा आगे क्या करूं। इक्वेशन टू ले लेना है उसको एक्स इसको इक्वेशन टू ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अब क्या करें, मल्टीप्लाई दोनों को कर देना मल्टीप्लाई इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसके एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू डालेंगे तो एच अपॉन 10√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 × 3 इज एच, तो एच की वैल्यू 40। अब एक बात, सॉरी, एच की वैल्यू 30 ये है आपका 10 × 3 इज इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू आई है 30, मतलब ये 30 आ गया है, लेकिन हिल की हाइट पूछी गई है मुझसे, तो हिल की हाइट कितनी है, ये 10 और इसमें ऐड होगा क्योंकि हिल की हाइट है डी सी, विच इज डी ई प्लस ई सी, डी ई मैंने 30 निकाल दिया, ई सी मैंने 10 निकाल दिया, तो हाइट कितनी हो गई, 40 मीटर। So, 10√3 मीटर एंड 40 मीटर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गो टू योर सीट। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं क्या सबको समझ में आए हैं? थोड़ा यस सा कुछ कॉन्फिडेंस आया है कि कर सकते हो क्वेश्चन? यस बस दो तीन बातें जो आपको बोली हैं, आपने स्कूल में कर रखा है, टीचर्स ने बहुत बार आपको प्रैक्टिस करा रखी है, एक बार मैंने भी समझा दिया, तो चीज आपके दिमाग में वो अब फिट हो जानी चाहिए, अब गलती का चांस नहीं होना चाहिए।
यस अब जाओ बेटा सीट पे बैठो प्लीज। तो क्या कहा हमने, दो पॉइंट जो दिमाग में रखने हैं, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है कि डिप्रेशन है, आप ऊपर हो कि आप नीचे हो, डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सारा डाटा डायग्राम के ऊपर डाल दोगे, जो जो समझ में आ रहा है उसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स ढूंढोगे, क्या दिया है क्या निकालना है वो साइज आप फाइंड आउट करोगे, फिर कौन सी रेशो उनके बीच में वर्कआउट होगी वो लिखोगे, जितने राइट एंगल ट्राइंगल दिखते हैं सबके रिलेशन लिख लो और अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाए। ठीक है जी, अब अगली क्लास में एक काम करना बच्चों, ये वर्कशीट लेकर के आओगे, बहुत क्वेश्चन आज हम नहीं कर पाए हैं, तो इसको हम अगली क्लास में शुड आई गिव इट एज एन असाइनमेंट, क्या आप लोग ट्राई करके आएंगे? Yes. पक्का? Yes. चलिए अगली क्लास में जो बचे क्वेश्चन आप करके आएंगे, पहले अगर इसकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बोलूंगी, पर फिर हम और क्वेश्चन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पर ही अगली क्लास के अंदर। इज इट ओके? कुछ पूछना है किसी को? Assertion reason. Okay, which one? Eighth or ninth? कौन सा बता, पूछना बेटा, एट की नाइन्थ? चलो पहले हम एट देख लेते हैं। Eighth assertion reason है, if the shadow of a vertical pole is 1 upon root 3 times of its height. अब अगर ये मेरा पोल है, इसकी हाइट मैं ले लेती हूँ h. अब शेडो किधर जाएगी इसकी, पहले तो ये बताओ मुझे कैसे जाती है शेडो? आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, मुझे तो बहुत पता नहीं है, बट शेडो किधर होगी इसकी? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे बनेगी। ये मेरे पास इसकी शेडो हो गई, ये है मेरा पोल और ये है इसकी शेडो। अब क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया, इफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर मैंने हाइट को h लिया है तो अब शेडो को क्या लेना है मैंने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शेडो इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट मींस शेडो इज, बच्चों मैथ्स की लैंग्वेज थोड़ी सी समझा करो और उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में पिरो दिया करो बस। शेडो इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, इसका मतलब ये है 1/√3 एच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है वो, देन ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं इस एंगल की बात करती हूँ। yes. तो अब ये एंगल कितना होगा ये बताना है आपने, वो कह रहा है 60 डिग्री होगा, डू यू अग्री विद इट कि ये 60 डिग्री होगा? कैसे पता चलेगा ये 60 डिग्री है कि नहीं? अब कौन सी दो चीजें पता है आपको, ए बी पता है और बी सी पता है, अगर ए बी और बी सी पता है और ये थीटा के बारे में पता करना है तो कौन सी रेशो यूज करनी पड़ेगी, टैन परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताने वाली कौन सी रेशो है बच्चों, टैन। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं यहां से tan थीटा की बात कर लेती हूँ, tan थीटा कितना h अपॉन 1/√3 h, तो क्या बन गया ये h और h कट गया रूट थ्री बन गया। yes. अब अगर tan थीटा रूट थ्री है तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री, और मुझे क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन के अंदर, यही कहा जा रहा था। Yes. इसका मतलब क्या मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? ट्रू हुआ। अब स्टेटमेंट टू पढ़ो, बिल्कुल लिट्टो चीज है, जरा डायग्राम फटाफट से ड्रॉ कर लो, जल्दी से करो जरा, ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई इट आउट। स्टेटमेंट टू, इफ सन्स ऑल्टीट्यूड इज 45 देन शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज सेम एज इट्स हाइट। सब कुछ सेम चीजें हैं लेकिन अब जो दिया है और जो पूछा है वो थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया बस। अब सन का ऑल्टीट्यूड 45 डिग्री है, इसका मतलब कौन सी चीज 45 है, अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं थीटा, ये थीटा तो अब दे दिया मुझे 45। ठीक है जी, ना मुझे ये दिया है, ये नहीं पता मुझे, और ना ही मुझे ये पता है। अब वो कह रहा है कि ये अगर 45 हो तो
Shadow of vertical pole should be same as its vertical height. Is it okay or not? True. True है. अगर मैं इसको h इसको x ले लूं, फिर से मैं अब क्या यूज करूंगी? tan 45 which is 1, that is h by x, so h is equal to so true हो गया. लेकिन क्या ये पहले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये तो बस उसके जैसे जैसे ही चले जा रहा है? एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहा ना मुझे. Yes. So answer क्या बनेगा? B. अगला सेशन रीजन. हाँ जी, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ये मेरा टॉप ऑफ अ टावर, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 9 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द टावर इन सेम स्ट्रेट लाइन. बेस ऑफ टावर से ये दो पॉइंट, एक है कितने डिस्टेंस पर? 9 मीटर के डिस्टेंस पर, और दूसरा 16. बस मुझे सोच के भी सिर्फ इतना ही बताना, ये 16 डिस्टेंस डीसी है कि डीबी है? डीबी. क्योंकि 9 और 16 का डिस्टेंस कहां से दिया है? फ्रॉम द बेस ऑफ टावर. तो दोनों डिस्टेंसेस बेस ऑफ टावर से चल रहे हैं. बस अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री. समझ में आया यहां तक डायग्राम? देन हाइट ऑफ द टावर इज 12 मीटर, ये मुझे बताना है. मतलब मुझे ये एबी की बात करनी है. अभी हम ऐसा क्वेश्चन एक करके हटे हैं. जल्दी जल्दी लगाओ जरा सेम कॉन्सेप्ट. मैंने क्या कहा? दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं. एक है ए बी सी और एक है ए बी डी. हाइट के बारे में बात पूछी जा रही है, बेस दे रखा है, तो कौन सी रेशो पर जाओगे? बोलो जी, कौन सी रेशो पर जाओगे? साइन कॉस की टैन, किस पे जाऊं? कॉस पे जाऊं. क्यों जाऊं? मेरे को हाइट के बारे में पूछा गया और बेस दिया है. हाइपोटेन्यूज के बारे में तो कुछ है ही नहीं मेरे पास. सो व्हाई शुड आई गो फॉर कॉस? क्यों जाऊं कॉस पे? दोबारा देखो, मेरे से हाइट ऑफ टावर पूछी गई है और ये बेस के डिस्टेंसेस दिए हैं. टैन, तो एक बनेगा टैन थीटा. क्या हो जाएगा टैन थीटा? एच बाय 9. And what will be tan 90 minus theta? जल्दी से बोलो बच्चों. H upon 16. अब ये बस यही गलती मत करना कि इतना डिस्टेंस 16 ले लो और फिर 25 डिस्टेंस कर दो. बस यही इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है. ये हमारे को पता है ये क्या है, cot theta. इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो tan theta into cot theta 1 h by 9 इंटू एच बाय 16. एच स्क्वायर 144, तो एच कितना आ गया? यही दिया था मुझे कि हाइट कितनी हो, 12 मीटर. ठीक है जी, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गई. बोलो जी, हो गई स्टेटमेंट 1 करेक्ट कि नहीं? अब बी को पढ़ते हैं. बी को मुझे कहा गया, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ एट अ डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम बेस. मतलब अब ये 9 की बजाय इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, बाकी सब कुछ सेम है. ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये डिस्टेंस ए, ये बी. तो हाइट कहा रहा है वो कि हाइट है अंडर रूट ए इंटू बी. वेरीफाई कर लो, ए है 9, बी है 16, तो क्या करेक्ट हो गया ये भी? और क्या स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर पा रहा है ये? Yes. तो ऑप्शन क्या बन गई? A. बस फिर हो गया काम. समझ में आ गए दोनों सेशन रीजन? चलिए, अब बाकी का जो एक केस स्टडी है और दो तीन क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यूज बचे हैं, वो आप लोग ट्राई करके आओगे. पहले हम उसको डिस्कस करेंगे क्लास में, देन वील गो फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन हाइट एंड डिस्टेंस वन. ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास. Bye-bye. Bye.
Yeah.